हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लक्ष्मीज किचन में। आज मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ मुंबई स्टाइल प्रॉन पोटैटो करी की रेसिपी। हमेशा हम लोग जो प्रॉन करी बनाते हैं उसमें हम लोग सिर्फ प्रॉन का ही यूज़ करते हैं और मसालों का, बट इस करी में हम लोग प्रॉन के साथ आलू का यूज़ करेंगे जो कि बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो आइए करते स्टार्ट। सबसे पहले तैयारी करेंगे मसाले की जो ग्रेवी के लिए हमें लगने वाला है। मैंने यहाँ पे पैन गरम करने रखा है, उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली चॉप करके लिया है। मसालों की क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लें। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे ऑयल डालूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए इसे अभी फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। थोड़ा सा इसका गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हमें फ्राई करना है। ये जो मैं ग्रेवी का मसाला आपको बताने वाली हूँ बहुत ही सिंपल है बट खाने में बहुत ही टेस्टी है। अभी यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून धनिया के दाने लिए हैं, कोरिएंडर सीड्स, साथ में 1 टेबलस्पून जीरा लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम लोग सॉटे करेंगे। आप चाहे तो इसमें ताज़ा कसा हुआ नारियल भी ले सकते हैं बट मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। और यहाँ पे मैंने 1 रफली चॉप टोमेटो भी लिया है। टोमेटो को हमें 2 से 3 मिनट के लिए सॉफ्ट होने तक पकाना है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, मैंने हाई फ्लेम पे इस मसाले को भूना है। आप देख सकते हैं टोमेटो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और प्याज भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अभी गैस फ्लेम बंद कर देना है और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देना है। मसाला हमारे यहाँ पे ठंडा हो गया है तो मैं इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इन मसालों में आप अपने पसंद के कोई भी अच्छे मसाले ले सकते हैं बट इतने ही सिंपल मसालों का यूज़ करके आप ग्रेवी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और सिंपल ग्रेवी बनती है। आप चाहे तो अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। आपको जितने पानी की ज़रूरत है पीसते वक्त उतना पानी आप थोड़ा थोड़ा डाल के आप इसका पेस्ट बना सकते हैं। पेस्ट बना के इसको अब मैं साइड में रख देती हूँ। मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम करने रखी है, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने तेल डाला है। तेल की क्वांटिटी आप अपने पसंद के हिसाब से डालें। 2 मिनट के लिए तेल को गर्म होने देना है। अब इसमें 1/2 टेबलस्पून जीरा डालेंगे। जीरा फूलने के बाद 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ध्यान रखें गैस फ्लेम स्लो रखें ताकि अदरक लहसुन हम लोगों ने डाला है उसमें पानी की क्वांटिटी रहती है तो ये उड़ने के चांसेस होते हैं छींटे। 1 मिनट के लिए ऐसे ही भुनेंगे इसको ताकि इसका रॉ स्मेल चला जाए। अब इसमें 1/2 टेस्पून टर्मरिक पाउडर डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो स्पाइसी रेड चिली पाउडर होता है वो लिया है। आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून गरम मसाला डालेंगे। इसे 1/2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। गैस फ्लेम स्लो ही रखना है ताकि मसाले आपके जले ना। आप चाहे तो यहाँ पे मसालों का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं ताकि आपका मसाला जलेगा नहीं। अब मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का आलू लिया है, उसे क्यूब्स में कट कर लिया है, उसे डालेंगे। मसाले के साथ अच्छे से कंबाइन करेंगे। अब मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। नमक मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप चाहे तो बाद में भी डाल सकते हैं। नमक डालने से हमारे जो आलू है जल्दी से पक जाएंगे इसलिए मैंने नमक डाला है। आप चाहे तो लास्ट में भी डाल सकते हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए लो गैस पे हम लोग कवर करेंगे और पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, आइए देखते हैं। ऑयल भी हमारा मसालों से अच्छे से सेपरेट हो गया है और आलू भी यहाँ पे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर देते हैं। अब बारी है प्रॉन्स को डालने की। मैंने यहाँ पे पहले से ही प्रॉन्स को अच्छे से क्लीन एंड वॉश करके लिया है। प्रॉन्स को डाल के अच्छे से मिक्स करना है। प्रॉन्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लें। मैं ये 2 लोगों के लिए बना रही हूँ तो उसी के हिसाब से मैंने क्वांटिटी ली है। आप भी अपने पसंद से इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी लें। अब इन्हें 5 मिनट के लिए कवर करके फिर से लो फ्लेम पे पकाना है। आप चाहे तो बीच में एक बार इसे चेक करके मिक्स कर लें। अब यहाँ पे मैं पेस्ट डालूँगी जो पेस्ट हम लोगों ने पहले ही प्रिपेयर करके रखा था। पेस्ट की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से डालें। बाकी का पेस्ट आप चाहे तो बचा के रख सकते हैं, किसी और ग्रेवी वाली सब्जी में आप डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 3 प्रॉन्स बचा के रखे तो मैं उसे टॉपिंग के लिए यहाँ पे रख देती हूँ। अब इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक पकाना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए।
आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला अच्छे से पक गया है, प्रॉन्स भी थोड़े से पक गए हैं। अब पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें और उसकी ग्रेवी बनाएं या करी की क्वांटिटी एडजस्ट करें। आप चाहे तो ऐसे ही मसाला, ड्राई मसाला जो है बिना पानी वाला, वैसे ही आप उसे रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 5-6 कड़ी पत्ता लिए है खुशबू के लिए, बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है और टेस्ट भी आता है। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आपको अगर नहीं पसंद है तो ना डालें। मिक्स कर लेते हैं और इसे फिर से 5-6 मिनट के लिए कवर करके हाई फ्लेम पे बॉईल कर देना है। अब इसे कवर कर लेती हूँ और इसे अच्छे से उबाल आने तक पकाना है। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया कलर आया है, कड़ी भी हमारी अच्छे से पक गई है। ज़्यादा इसकी क्वांटिटी एकदम पतली भी नहीं है और गाढ़ी भी नहीं है, बिल्कुल चावल और रोटी के साथ खाने लायक है। गैस फ्लेम बंद कर देते हैं और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारी डिलीशियस प्रॉन करी तैयार है। फ्रेंड्स, तो आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और साथ में एक अच्छी सी कमेंट करें। ये डिलीशियस प्रॉन पोटैटो करी आप राइस, रोटी, चावल की भाकरी जो होती है उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है। ज़रूर इसे एक बार ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मैं कोई रेसिपी वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।